देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे माइक्रो डोनेशन अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी गंगा पांडे का सेगांव आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। पांडे ने देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी के दर्शन किए, उसके पश्चात उनका नगर में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय बस स्टैंड पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल मित्र मंडल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पंचायत परिसर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली व मार्गदर्शन दिया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया और मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया। पांडे ने कमल पुष्प अभियान के तहत वरिष्ठ नेता हीरालाल पाटीदार व बलदेव पाठक का उनके निवास पर जाकर सम्मान किया। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रवि वर्मा, वरिष्ठ नेता दिनेश मिश्रा, कृष्णकांत यादव, संतोष राठौर, मुकेश पटेल उपसरपंच, हरिओम यादव, अशोक प्रजापत, कमल यादव, अश्विन ठाकुर, सावन पाटीदार, दिलीप चौहान, पंकज गुप्ता, लकी गोयल, कौशल राठौर सहित युवा व मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता युवा मोर्चा द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐप जो जन कल्याणकारी योजनाओं से भरी हुई है और उसमें माइक्रो डोनेशन की भी एक सुविधा दी जा रही है, जिससे लोग उस पर जुड़ सकें और स्वच्छता पार्टी फंड और अन्य गतिविधियों में अपनी सहभागिता निश्चित कर सकें, इसको लेकर युवा मोर्चा ने एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया है। उसी तारतम्य में आज खरगोन जिले में हम लोग सब साथी ये काम कर रहे हैं। वरिष्ठ लोगों का सम्मान भी किया जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा की एक बहुत ही अच्छी सोच, जिसमें पार्टी के जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने आज पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है, ऐसे नींव के पत्थरों का सम्मान, उनका चरण स्पर्श करना और युवा मोर्चे के साथी उससे समझ पाए और प्रेरणा ले पाए कि हम किन मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा एक आदरणीय वीडी भाई साहब ने अभियान करा है। उसके तारतम्य में भी आज हम लोग खरगोन में कमल पुष्प अभियान करेंगे। धन्यवाद।